सो गाइस, ये वाली फाउंडेशन मिक्स के साथ मैंने आज की ये वाली ट्रेडिशनल ब्राइडल ग्लास स्किन मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिजायर एंड मैं खुड़िया। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर ट्रेडिशनल बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और इस लुक को आप एज अ वेडिंग गेस्ट पार्टी मेकअप लुक कैरी कर सकते हो। एंड गाइस, न्यूली मैरिड ब्राइड्स के लिए ये वाली मेकअप लुक बेस्ट है और अगर आप इस तरीके से मेकअप लुक क्रिएट कर देते हो तो किसी भी पार्टी में आप दिखने वाले हो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। और गाइस, ये वाली मेकअप लुक बिल्कुल ईजी है एंड बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। सो ये वाली मेकअप लुक एक ग्लास स्किन मेकअप लुक भी है। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर किया है कैसे आप ग्लास स्किन मेकअप लुक पा सकते हो बहुत ही इजी स्टेप्स में। आप अपने पास जो प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स से ही बहुत ही इजीली इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। और गाइस, आई नो आप में से काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था हिंदी लैंग्वेज से, बट मैं अब कभी कभी बंगालीज में भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो आई नो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी जिन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आती है एंड जिन लोगों को बंगालीज में वीडियोस देखना पसंद है उन लोगों को भी प्रॉब्लम्स हो रही होगी जब मैं हिंदी में वीडियोस शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों के लिए ही मैंने एक दूसरी चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे मैं सिर्फ बंगालीज में वीडियो शेयर करूंगी और उस चैनल में मैं इस तरीके की ही बंगाली मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल बंगाली लैंग्वेज में होंगे और काफी ज्यादा मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको बंगाली में वीडियोस देखनी है तो। कभी कभी उस चैनल में मैं ब्लॉग भी शेयर कर दिया करूंगी तो प्लीज जरूर उस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं बहुत जल्द उस चैनल में भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगी और मैंने काफी टाइम पहले उस चैनल को स्टार्ट क्रिएट किया था लेकिन मैं बिल्कुल इरेगुलर हूँ उस चैनल के लिए। तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना ताकि थोड़ी उस चैनल के लिए भी मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले एंड मैं जल्दी से जल्दी रेगुलर हो जाऊँ उस चैनल के लिए। तो यस गाइस, कुछ यही बात आप लोगों से शेयर करनी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस लुक को क्रिएट करने के लिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर एंड तक देखना। तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियोस में आप लोगों को यही बोलती हूँ कि किसी भी मेकअप लुक को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से जरूर फेस को क्लीन कर लेना है, अच्छे से बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है और अगर आप लेंस वेयर करना चाहते हो तो फेस को वॉश करने के बाद ही आपको लेंस वेयर करना है, कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स या भी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से पहले। तो अपने फेस को मैंने ऑफ कैमरा बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। इसके बाद सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है एंड मॉइस्चराइजर के बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर को स्प्रे कर लिया है और ये बहुत अच्छे से एज अ प्राइमर भी काम करता है। और बाय द वे गाइस, मैंने इस लुक के लिए बाद में लेंस वेयर किया है क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि मैं लेंस नहीं वेयर करने वाली हूँ बट बाद में मेरी मूड चेंज हो गई थी। तो प्लीज़ इस बारे में मुझे बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा, लेंस आपको पहले ही वेयर करना है। तो फेस में बहुत अच्छे से मेकअप सेटिंग स्प्रे को स्प्रे कर लेने के बाद, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ही लिक्विड कंसीलर को अप्लाई किया है। इसमें मेरा शेड है वार्म बेज और मोस्टली जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स है उन एरियाज में मैंने इसे अप्लाई करके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके की कटोरी या फिर बोल ले लिया है क्योंकि मेरे पास फाउंडेशन मिक्स करने के लिए जो कंटेनर जो वो चीज़ होती है वो मेरे पास नहीं है तो मैंने इस तरीके से कटोरी में ही फाउंडेशन को ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी की जो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है उसे ले लिया है। बाय द वे गाइस, मैंने यहाँ पे आइबा की फाउंडेशन यूज़ किया है और ये बहुत अफोर्डेबल फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट कवरेज आपको मिलने वाली है इसमें से। और इसके लिए अगर आप चाहे तो मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन भी ट्राई कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने प्राइमर भी अप्लाई किया है, यहाँ पे लिया है प्राइमर मैंने यहाँ पे अगेन आइबा की ही फोटो परफेक्ट प्राइमर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड की ये वाला जो हाईलाइटर बेकिंग हाईलाइटर है उसे लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे फाइनली ले लिया है लैक्मे की लूज पाउडर और इसके बदले में आप कोई भी टेलकम पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से एक साथ मिक्स करके एक ब्रश की हेल्प से ही मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस एंड नेक एरिया पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। एंड देन एक इस तरीके की फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश को मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे से बहुत अच्छे से स्प्रे कर लिया है थोड़ा सा ताकि ये डैम हो जाए।
एंड बहुत अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो जाए। तो इसके बाद मैंने बहुत अच्छे से इसके हेल्प से ब्लेंड कर लिया है पूरी फेस में एंड नेक एरिया में फाउंडेशन को। एंड गाइस जो ग्लो आ रही है आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वाली एक फिनिश है। तो इसके बाद अगेन मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर लिया है ताकि बहुत अच्छे से ये सब कुछ ब्लेंड हो जाए एंड कोई भी केकीनेस ना रहे। तो गाइस अगर आप फाउंडेशन को मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रहे हो तो आपको ये वाली स्टेप फॉलो करनी ही है। ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो जाती है एंड बहुत ही फ्लॉलेस वाली एक लुक आती है। एंड जो ग्लो यहाँ पे दिख रही है आप देख सकते हो। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड के लिक्विड कंसीलर को इस तरीके से अंडर आई, नोज़, फोरहेड, क्यूपिड बो, चिन एरिया पे अप्लाई करने के बाद अगेन सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके ब्लेंड कर लिया है ताकि थोड़ी सी लाइक हाईलाइटिंग वाली इफेक्ट्स आए जहाँ जहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ अपनी फेस एरिया को। एंड देन मैंने यहाँ पे एलिटिन की कॉम्पैक्ट पाउडर को एक पाउडर ब्रश की हेल्प से पिक करके अपनी पूरे फेस एरिया एंड नेक एरिया की जो बेस मेकअप है उसे सेट कर लिया है। और अगर आप चाहे तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ऑयली है तो। तो इसके बाद मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से लूज़ पाउडर को पिक करके इस तरीके से मोस्टली जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उन एरियाज पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है क्योंकि मेरी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे इतनी ज़्यादा लूज़ पाउडर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे काइरो की ग्लो ऑन ब्लशर को अपनी चीक्स एरिया पर इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। तो गाइस इसके बाद रेवोल्यूशन की कंट्रोल किट से मैंने कंट्रोलिंग शेड को पिक करके इस तरीके से हॉल होते चीक, जॉ लाइन, फोरहेड एंड अपनी नोज़ को कंट्रोल कर लिया है। तो गाइस सारे प्रोडक्ट्स आपको अंडर 500 रुपीस इजीली मिल जाएंगे लेकिन ये वाली जो कंट्रोल किट है ये थोड़ी सी प्राइजी है। आई थिंक आपको ये 500 रुपीस में नहीं मिलेंगे तो आप स्विस ब्यूटी की कंट्रोल किट यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगेन मैंने मेकअप फिक्सर से अपनी पूरी मेकअप बेस को बहुत अच्छे से फिक्स कर लिया एंड उसके बाद अगेन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब कर लिया ताकि बहुत अच्छे सब कुछ सेट हो जाए। एंड हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड की ये वाली हाइलाइटर यूज़ की, ये वाली हाइलाइटर बहुत अफोर्डेबल है एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नेचुरल ग्लोई फिनिश देती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एचआर की आईब्रो किट से डार्कर शेड को पिक करके अपने आईब्रोज को ड्रॉ एंड फिल कर लिया है। सो नेक्स्ट मैंने अपनी आई लुक को कंप्लीट करने के लिए सेम लिक्विड कंसीलर को अपने आईलाइट एरिया पे अप्लाई कर लिया है एंड इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया ताकि आई शेडो बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और इसे सेट करने के लिए ताकि आईब्रोज सॉरी जो कंसीलर है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए, क्रीज ना हो, तो उसके लिए मैंने सेम कॉम्पैक्ट पाउडर को एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से पिक करके अपने आईलाइट एरिया पर इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। तो गाइज इसके बाद मैंने अपने लेंसेज वेयर कर लिया है और मैंने यहाँ पे TTDI की नोमी ब्राउन वाली शेड वेयर किया है। तो गाइज मैं अब बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गई हूँ लेंसेज के साथ तो मैं बाद में भी वेयर कर लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर आप बिगिनर्स हो तो प्लीज़ सबसे पहले ही लेंस को वेयर करना। तो इसके बाद ब्यूटी ग्लस्ट की जो कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट है उसमें से रेड वाला पैलेट से ये वाला जो रेडिश वार्म ब्राउन शेड है इसे पिक करके एक फ्लफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अपनी आउटर कॉर्नर एंड क्रीज लाइन में सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है एज माई ट्रांजिशन शेड। एंड अगेन सेम पैलेट से ही ये वाला जो शिमरी बेज काइंड ऑफ शेड है इसे एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से पिक करके इनर कॉर्नर से मिडिल आईलिड के थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट तक इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है एज अ कट क्रीज। मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया है ताकि कट क्रीज वाली इफेक्ट आए एंड अगेन सेम ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में ब्लेंड कर लिया है कोई प्रोडक्ट ना लेते हुए। देन मैंने स्विस ब्यूटी की ग्लिमर स्टिक को अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई किया है एज वाइट काजल। और इसके बाद अगेन सेम ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैशेस को स्मच कर लिया है एंड देन एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से पहले ब्लैक शेड एंड एक डार्क ब्राउन शेड को मैंने अपने लोअर लैशेस पे स्मच कर लिया ताकि लोअर लैशेस डिफाइन हो जाए। एंड इन NYBAKE की लिक्विड आईलाइनर को मैंने अपनी लाइनर वाले एरिया पर इस तरीके से बेसिक एंड बहुत ही सिंपल सी विंग लाइनर ड्रॉ किया है। सो आईलाइनर के बाद आते हैं मेन ट्विस्ट पे आज की लुक के लिए। तो मैंने यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई किया है लेकिन थोड़ी सी अलग वे में, तो मैंने ये दोनों जो ग्लिटर शेड है ये थोड़ी सी बेज काइंड ऑफ शेड है एंड ये थोड़ी सी लाइक वाइट काइंड ऑफ सिल्वर काइंड ऑफ शेड है, तो इसे मैंने इस तरीके से लाइनर की तरह अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पे लैश ग्लू अप्लाई कर लिया ठीक जहाँ पे मैंने लाइनर को अप्लाई किया है उसके ठीक ऊपर वाले एरिया पे इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। तो ये वाला एक लैश ग्लू कलाइलिस की लैश ग्लू है, अगर आपके पास ये वाली लैश ग्लू नहीं है तो आप डुओ की लैश ग्लू भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी लैश ग्लू जो आपके पास है वो यूज़ कर सकते हो। आपको ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करना है एंड देन ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे जो ग्लिटर्स मिक्स मैंने यहाँ पे लिया था उसे इस तरीके से अप्लाई किया है एंड देन अगेन ब्लैक लाइनर को अप्लाई कर लिया है ताकि ब्लैक लाइनर बहुत अच्छे से डिफाइन हो। एंड देन मैंने यहाँ पे एसेंस की आई लव एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा को अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे 2 से 3 कोट अप्लाई कर लिया है। देन मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लिया है। सो गाइस इसके बाद मैंने अपने आईज की इनर कॉर्नर्स एंड अपनी ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर लिया है सेम हाईलाइटर की हेल्प से
एंड देन इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे माई ग्लैम की लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक्स वेयर किया है। तो इसमें मेरा शेड है सबमरीनिंग, और इन लिपस्टिक्स के बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया है, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, क्योंकि गाइस दिस लिपस्टिक्स आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स इन अफोर्डेबल प्राइस। एंड गाइस इस लुक के लिए जो गजरा हेयर स्टाइल मैंने क्रिएट किया है वो मैंने एक डिफरेंट स्टाइल में क्रिएट किया है, कोई भी रबर बैंड या फिर कोई भी डोनट बैंड मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। और अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो मेरी शॉर्ट वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट में शेयर किया है। आज की लुक आपको पसंद आई होगी एंड आज की वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, लव यू ऑल।